रणबीर लड़ेगा प्राची के लिए और पल्लवी मांगेगी प्राची से माफी, लेकिन चला दी आलिया ने मिहिका पर गोली। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रिया के गुंडे लोग प्राची के गले पर चाकू रख देंगे, उसी वक्त प्राची अपने आप को बचाने के लिए और सबको सही सलामत ले जाने के लिए गुंडों के सामने अचानक से अपने पैरों में चोट लगाकर जोर से चिल्लाएगी, जिस वजह से गुंडे का ध्यान प्राची के गले पर रखे चाकू से भटक जाएगा और प्राची उसी मौके का फायदा उठाकर गुंडे के हाथों से चाकू ले लेगी और चाकू की नोक पर उस मेन गुंडे को रखकर सबको बाहर निकलवाएगी। जहाँ पर जब रणबीर आर्यन को कहेगा कि तुम मिहिका और रिया को लेकर बाहर जा, मैं और प्राची आते हैं, तभी रिया रणबीर को अकेले ना छोड़कर जाने का नाटक करेगी और लेकिन तभी गुंडे के अचानक से रणबीर पर हमला कर देने की वजह से प्राची अपनी चाकू की नोक पे रखे हुए गुंडे को हटाकर सबको डंडे से मारने लगेगी और रणबीर रिया प्राची सभी वहाँ से भाग जाएंगे। और लेकिन घर में किसी को पता ना चले कि मिहिका की जान पर खतरा आया था और सभी संगीत सेरेमनी को छोड़कर मिहिका की जान बचाने के लिए चले गए थे, इसलिए रणबीर प्राची मिहिका शाहाना और आर्यन अपने कपड़े बदल कर संगीत सेरेमनी में आ जाएंगे। जहाँ पर जब आलिया पल्लवी की नजर अचानक से प्राची और रणबीर पर पड़ेगी और आलिया पल्लवी को भड़काती हुई कहेगी कि देखो पल्लवी, प्राची की वजह से हमारे घर को कितना बदनाम होना पड़ रहा है, यह संगीत सेरेमनी किसके लिए रखी गई है? प्राची के लिए। और प्राची खुद यहाँ से गायब थी। आलिया के मुँह से सुनकर पल्लवी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पल्लवी काफी गुस्से से प्राची के सामने देख कर कहेगी, हाँ आलिया, इसने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दी, पता नहीं ये कहाँ चली गई थी। ये पल्लवी के मुँह से सुनकर रणबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जिस वजह से रणबीर काफी गुस्से से अपनी प्राची के लिए लड़ते हुए अपनी माँ को कहेगा कि नहीं माँ, प्राची ने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाई बल्कि उसने हमारी इज्जत बचाई है। प्राची ने रिया और मिहिका को मरते मरते बचाया है और प्राची इसलिए संगीत सेरेमनी को छोड़कर गई थी क्योंकि मिहिका और रिया की जान खतरे में थी। यह सुनकर पल्लवी को काफी बड़ा शौक लगेगा और आलिया कुछ बोल नहीं पाएगी। और लेकिन जब रणबीर अपनी माँ पल्लवी को कहेगा कि आपको प्राची को सुनाने की जगह उससे माफी मांगनी चाहिए, उसने आपकी फेवरेट रिया को बचाया है, यह सुनकर पल्लवी ना चाहते हुए सबके सामने प्राची से माफी मांगेगी और कहे कि प्राची आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम रिया की जान भी बचा सकती हो। यह सुनकर प्राची पल्लवी को माफी मांगने से इनकार करेगी और लेकिन उसी वक्त आलिया किसी के सामने मिहिका उसकी असली सच्चाई ना ले आए, इसके लिए जब किसी को पता ना चले ऐसे कोने में जाएगी और अपने साथ साइलेंट गन लेकर खड़ी होगी। और रणबीर जब मिहिका को पूरे संगीत सेरेमनी में ढूंढेगा, तभी आलिया किसी को पता ना चले ऐसे मिहिका के सामने गन तान देगी। और लेकिन जब आलिया मिहिका पर गोली चलाने के लिए जाएगी, उसी वक्त वहाँ पर पीछे से रणबीर आ जाएगा और आलिया की वो गोली रणबीर को लग जाएगी और रणबीर वहीं पर खून से लथपथ होकर गिर जाएगा। जहाँ पर जब प्राची खून से लथपथ होकर रणबीर को गिरते हुए देखेगी, तभी प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और लेकिन जब पल्लवी काफी गुस्से से चिल्लाकर कहेगी कि रणबीर पर इस घर में किसने गोली चलाई है, उसे ढूंढो और सीसीटीवी कैमरास चेक करो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तभी आलिया किसी को पता ना चले ऐसे पल्लवी के पास आ जाएगी और आलिया पल्लवी को कहेगी, हाँ मैं ढूंढती हूँ। लेकिन जब प्राची रणबीर को अपनी गोद में लेगी और रोते हुए कहेगी कि रणबीर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तभी के प्राची के दिल में रणबीर के लिए प्यार देखकर पल्लवी को काफी बड़ा शौक लगेगा और सेठ प्राची की शादी कैंसिल हो जाएगी। और लेकिन रणबीर को कुछ हो गया और प्राची रणबीर अलग हो गए तो आपको कैसा लगेगा? और आप प्राची रणबीर को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं? और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।